90 नंबर की जर्सी पहने बेहतरीन गेंद कीपर को चखाते हुए पास करते हुए लैमा यहाँ पे ईवा अपने साथी के लिए ताई यहाँ पे नंबर लेने वाला चाहते थे पर गलत पास लेकर रहा था चिप्पा से आपके विली के पास बॉल खतरा हो सकता है मीटी के पास बॉल यहाँ पे गलत पास इंगी के पास बॉल अपने साथी को तलाश कल और एक बहुत ही विशेष दिन है कल आप सबको पता है कि 2 साल हो जाएंगे जब हमारे देश के ऊपर हमला हुआ पुलवामा में जो हमला हुआ जहां पे हमारे 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे उसके लिए उस दिन उस समय बहुत ही भावुक दिन था हमारे लिए मैं हमारे देशवासियों की तरफ से हमारे ड्रॉइंग की जनता के तरफ से बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद देने चाहता हूँ कि जिस साहस से जिस तरीका से आप लोगों ने जनता को इस देश को साहस दिया वो बहुत ही काबिलियत लायक थे और आज जो स्मरण कर रहे हैं जिसके रिकलेक्शन में ये जो ट्रॉफी चल रहा है हमारे वीसी जोसेफ जो IDK ब्लास्ट छत्तीसगढ़ में जो आपने जान निछावर कर दी देश के सुरक्षा के लिए उसके लिए भी हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं हमारे पुलवामा का जवानों के साथ। अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि ये जो प्रयास है हमारे CRPF की तरफ से कि जनता का साथ मिलन करने के लिए ये बहुत ही अच्छा एक कोशिश है। आपको पता है कि खेल केवल मनोरंजन के लिए नहीं खेल में रिश्ता भी बनता है डिसिप्लिन अनुशासन भी सीखता है और खेल एक दुनिया पे एक अपने आप में सॉफ्ट पावर बन जाता है जहाँ बायोलेटरल रिलेशनशिप भी खेल के सहयोग से एक रिलेशनशिप बनता है जिस तरह हमारे CRPF और हमारे रोइंग की जनता के साथ आज से शुरू होंगे इस प्रतियोगिता से और एक मजबूती हमारे रिलेशनशिप बनेंगे। मैं आशा करूंगा कि हमारे DIGP इसी तरह हमें इंकरेज करे और बीच बीच में हमारे रोइंग में आते रहे। शायद आप लोगों को पता नहीं है कि DIGP साहब हमसे भी रोइंग के बारे में ज़्यादा जानकारी है उसे वो 1994 या 1996 से यहाँ पे तैनात है यहाँ पे पोस्टेड था तो रोइंग के बारे वो बहुत ही जानते हैं। रोइंग को जनता के ऊपर भी उनका बहुत ही प्यार है और मैं आशा करता हूँ ये प्यार बरकरार रहेंगे। इसी के बाद में मैं धन्यवाद देता हूँ आप सबको थैंक यू कहता हूँ। ये बहुत हर्ष का विषय है कि 186 बटालियन ने इस प्रतियोगिता को यहाँ पर आयोजित किया। इसका मकसद यहाँ की जनता में यहाँ के छात्रों में यहाँ के युवाओं में जोश भरने का है उनके साथ तालमेल करने के लिए उनको प्रेरित करने के लिए खेल के प्रति और साथ ही जो हमारा फोर्स का अपना जो मैनुअल है अपना जो SOP है इससे हट करके गांव और जनता के बीच में जा करके उनके अंदर जो भय की भावना कभी कभी आ जाती है उसको दूर करने का यह एक बहुत अच्छा जरिया है। जैसा कि मैंने MLA साहब को बताया इनको ज्ञात नहीं था इनके पापा श्री मुकुट मिथी साहब के साथ मैं इसी ग्राउंड में फुटबॉल भी खेलता था और मैं 1996 से लेकर 98 तक 2 साल यहीं पर मैंने जो है अपनी कंपनी कमांडर की पोस्टिंग काटी है और आज इतने सालों 25 सालों के बाद यहां पर इसी ग्राउंड में इस प्रतियोगिता के समापन समारोह में भाग लेते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता भी हो रही है मैं बहुत भावुक भी हूँ और मेरा यहाँ से लगाव है और इसलिए भी जो है मैं चाहता हूँ कि रोइंग की जनता हमेशा प्रगति करे उन्नति करे और मेरी शुभकामनाएं CRPF की ओर से आपको है और आगे भी इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मैं अभी MLA साहब से भी
आवेदन कर रहा था, रिक्वेस्ट कर रहा था कि वो इस इलाके में जो छात्र हैं, युवा हैं, जो किसी भी तरीके की परीक्षा में, सिर्फ हमारी पैरामिलिट्री में ही नहीं, आर्मी में ही नहीं, बाकी में नहीं, जो सिविल की प्रतियोगिताएं होती हैं उसमें भी छात्रों को आने के लिए प्रेरित करें, जिससे कि यहाँ का प्रतिनिधित्व, यहाँ का रिप्रेजेंटेशन ऑल इंडिया लेवल पर हो सके। बहुत सारी प्रतियोगिता परीक्षाएं होती है जो हर एक स्टेज पर होती है, 10th पर होता है, 12th पर होता है, बीए लेवल पर होता है जो कि लास्ट में है। तो इसलिए जो है जहाँ भी जाएं, ये इस प्रकार की जो है वो भावना जगाएं, ज्योति जगाएं, जिससे यहाँ के बच्चे आगे चल करके देश के लिए कुछ कर सके और उनमें उनका प्रतिनिधित्व हो सके। हम लोग भी यही चाहते हैं, इसीलिए इस प्रकार के कार्यक्रम करते हुए इस बटालियन ने बरदुमसा और नामसाई के इलाके में 50 बच्चों को सेलेक्ट करके उनको 2 साल तक ट्रेनिंग दिया, उनको कोचिंग दिया, उनके पीछे जो है पड़ा कि आप इस तरह की, और उनको सिविल के डाइट जो तिनसुकिया में एक संस्था है उससे टीचिंग जो है करवाया, सब्जेक्ट की टीचिंग करा करके। और आज ये बहुत बोलते हुए मुझे भी गर्व है कि उन 50 बच्चों में 33 बच्चों ने सफलता प्राप्त कर ली है। उन 33 बच्चों में आपको जान करके और भी खुशी होगी कि उसमें 2 छात्रा भी हैं, फीमेल कैंडिडेट्स भी हैं। अभी इनको अपॉइंटमेंट लेटर जो है मिल गया है और अभी कुछ दिन में, 2 से 3 महीने में ये लोग अपने अपने सेंटर्स जहां ट्रेनिंग होगी वहां पर में 1 साल की ट्रेनिंग लेंगे और उसके बाद से अपने जगह पर तैनाती होगी। और सबसे बढ़िया कि जो है जहाँ के ये छात्र आए हैं, जिस प्रकार से वो गरीबी से आए हैं, वो उनके परिवार के लिए और उस क्षेत्र के लिए एक उदाहरण है। अगल बगल के जितने भी हैं वो उनको आज शाबाशी दे रहे हैं। उनके पेरेंट्स बटालियन में आकर के, कमांडेंट साहब के पास आकर के उन्होंने ये बताया कि आपने हमारे बच्चों को रास्ता दिखाया, आपने हमारे बच्चों को लायक बना दिया और ये में जो है ये अभी गवर्नमेंट जॉब जो है पाए हैं। तो इस प्रकार की भावना यहाँ भी जागे, इसके लिए जो है मैं हमेशा प्रयत्नशील रहूँगा, कोशिश करता रहूँगा और MLA साहब का सहयोग हमको CRPF को मिलेगा, ऐसी मेरी जो है उम्मीद है। और इन्हीं शब्दों के साथ में मैं इस जो कार्यक्रम है इसको समापन घोषित करता हूँ और वोट ऑफ थैंक्स जो है ये दे रहा हूँ।